इश्क के मुसाफिर होते हैं वो एक ही दफ़ा उनको बुलाया जाए तो उनको बार बार बुलाया नहीं जाता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते की तरफ एक ही दफ़ा बुलाया जाता है। तो कहता है कि पहली आवाज़ पर लब्बैक कहा जाता है, ज़्यादा इश्क में मुड़कर नहीं देखा जाता कि जो इश्क मुसाफिर है वो फिर पीछे नहीं देखते। फिर कहता है कि जान पर खेले बिना बात नहीं बनती है, जान पर खेले बिना बात नहीं बनती है, दिल हो मक्तल में तो फिर सर नहीं देखा जाता, दिल हो मक्तल में तो फिर सर नहीं देखा जाता, बीबियां आए खुले सर नहीं देखा जाता। जो इमाम हुसैन और नबी के घराने के साथ जो जुल्म रखा रवा रखा गया, और आज कुछ लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी सतह के लोग हों, कोई आलिम कोई कुछ भी नहीं है, जो ये कहे कि यजीद को वो सर्टिफिकेट दे के नहीं, यजीद ऐसे और ऐसे, वो बेगुनाह है इस मामले में, नहीं। जो उसने उसके बाद खानदान रसूल की तोहीन की वो तारीख के सफात उससे भरे पड़े हैं। शायर कहता है कि बीबियां आए खुले सर नहीं देखा जाता, आंख कहती है ये मंजर नहीं देखा जाता। और फिर आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि ये घर कौन सा घर है, जो आले बैत का घर है, जो आले रसूल का घर है, उसके बारे में कहता है कि जिसकी खातिर है बसाई गई दुनिया सारी। इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर की खातिर सारी दुनिया बसाई गई, और हुजूर ने इन पांचों को ही कहा ये मुझसे है, मैं इनसे हूं, अगर मुझे किसी ने पाना है तो वो इनके पास आ जाए, अगर इनसे किसी ने मिलना है तो वो मुझसे, यानी कि मुझसे ये जुदा नहीं है। सारी कायनात इनके गिरदा गिर्द निजामे कायनात घूमता है, इसीलिए बेदिल ने कहा था कि ये जो पंच तन है ये मकसूद कायनात है, ये मकसूद कायनात उसने कहा था इनको। लोग अल्फाज में गौर नहीं करते कि कायनात का मकसद ही ये पांच है। और आदम अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं कि जो कहा गया था ना कि अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम, और बाद में कहा गया था कि नाम क्या है, उनमें पंच तन के भी नाम थे, वो सैयदा फातिमा, इमाम अली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम थे। बहरहाल आखिरी शेर मैं पेश करने लगा हूँ, उसके बाद मैं अपने उस्तादी मुकर्रम जो मेरे उस्ताद भी हैं, आलम नबील हैं मुल्क पाकिस्तान में भी और यूरोप में, एक अस्सा से आपने दीन की खिदमत की है, बहुत अरसे से इन्होंने हिकमत के साथ उन यूरोप के इलाकों में भी दीन की तरवीज और मोहब्बत रसूल को अर्जां किया है कि जहाँ पे खाल खाल ही लोग नज़र आते हैं। बहरहाल शायर कहता है कि जिसकी खातिर है बसाई गई दुनिया सारी, जिसकी खातिर है बसाई गई दुनिया सारी, अहले दुनिया से वही घर नहीं देखा जाता, कि दुनिया वालों से वही घर नहीं देखा जाता जिसको जिसकी खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सारा निज़ाम भरा है। बहरहाल सब्र व रज़ा में इल्म व शुजात के बाब में आलिम में मुनफरद है घराना हुसैन का। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने के बारे में हम सुनते हैं कि अल्लामा हसनात अहमद मुर्तज़ा साहिब क्या इरशाद फरमाते हैं, मैं और आप हमातन गोश होते हैं।